तो भारत ने यूएन के साथ समझौते को खारिज कर दिया है। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपके सामने। भारत ने ग्लोबल साउथ के लिए 300 अरब अमेरिकी डॉलर मुहैया कराने के वित्तीय समझौते को खारिज किया है। बड़ी खबर ये है कि इंडियन गवर्नमेंट ने 300 बिलियन डॉलर रिजेक्ट कर दिए हैं। चले आपको 300 बिलियन डॉलर के बारे में बताता हूँ। पाकिस्तान IMF से 3 बिलियन डॉलर या 5 बिलियन डॉलर के लिए नाक रगड़ता है अपनी, इवन के उनकी शर्तें भी मानता है चौधरी। और इसकी वजह से परेशानी बड़ी है। मेरा अपना ख्याल ये है कि ये ज़्यादा बड़ी वजह है IMF की अनशेड्यूल तरीके से पाकिस्तान पहुंचने की, क्योंकि IMF का मिशन पाकिस्तान में है। तो उन्होंने शमसी तमनाई के फरोग की मुखालफत कर दी है, साथ ही सूबाई सरप्लस बजट का हदफ पूरा होने पर तहफ्फुज़ात का इजहार किया है। अच्छा, एक तो देखना आमिर, सबसे बड़ा पाकिस्तान में जो मसला है ना, सबसे बड़ा मसला इनकॉम्पिटेंस, मैं हमेशा से कहता हूँ सबसे बड़ा इशू है। दोस्तों, भारत ने 300 अरब डॉलर का जो क्लाइमेट डील है ग्लोबल साउथ के लिए एट द COP29 उसको रिजेक्ट कर दिया। एक तो ये कि देखिए, ये कोई छोटी बात नहीं है कि इंडिया में 3 साल के अंदर 1 लाख नया करोड़पति टैक्स पेयर पैदा हो चुका है। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी मीडिया के अंदर एक न्यूज बड़ी चर्चा में है, और वह न्यूज है कि भारत ने 300 बिलियन डॉलर्स की ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है, यानी मना कर दिया है, जिस पर कई नॉर्मल पाकिस्तानी काफी हैरान और परेशान है कि भारत ने 300 बिलियन डॉलर को रिजेक्ट कर दिया है, जबकि वहीं पर पाकिस्तान इस समय 1-2 बिलियन डॉलर के लिए न सिर्फ IMF के आगे लेटा पड़ा है, बल्कि अपने दोस्त देश जिसको पाकिस्तान मानता है, चाहे वो चाइना हो या फिर सऊदी अरब, उनके आगे भी लेटा पड़ा है। लेकिन आखिर इस 300 बिलियन डॉलर्स की जो न्यूज है, दरअसल वो है कि COP29 यानी जो यूनाइटेड नेशन की तरफ से क्लाइमेट चेंज के ऊपर कॉन्फ्रेंस जो हुआ, उसमें यह डिसाइड किया गया कि जो अंडर डेवलपिंग देश हैं, जो क्लाइमेट चेंज से प्रभावित हैं, उससे जो नुकसान हो रहा है और उससे बचने के लिए भी वो देश ग्रीन हाउस प्रभाव कम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, उन देशों को UN की तरफ से फंड देने की बात हुई, जिसमें जो ग्लोबल साउथ के देश हैं उनको 300 बिलियन डॉलर्स की ऑफर की गई, जिससे वो ग्रीन एनर्जी की तरफ ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें, जिस पर इंडिया ने फर्मली रिजेक्ट कर दिया कि ये तो बहुत ही कम अमाउंट है पूरे ग्लोबल साउथ देश के लिए, जिसका कि नाइजीरिया समेत कई देशों ने समर्थन भी किया। बड़ी खबर ये है कि इंडियन गवर्नमेंट ने 300 बिलियन डॉलर रिजेक्ट कर दिए हैं। किसको मिल रहे थे, किस वजह से मिल रहे थे जो इंडिया ने रिजेक्ट किए, इसके ऊपर आबिद अली भाई से बात करेंगे। पाकिस्तान के मौजूदा सूरतेहाल के ऊपर भी बात करेंगे कि हिंदुस्तान ने 300 बिलियन डॉलर रिजेक्ट कर दिए हैं। ठीक है, ये सिर्फ हिंदुस्तान नहीं है, इसमें और भी कंट्रीज हैं जिन्हें 300 बिलियन डॉलर की ऑफर्स हुई थी। मतलब सब कंट्रीज को मिला के 300 बिलियन, और ये वो जो पोल्यूशन जो हो रहा है ना, उसके लिए 300 बिलियन डॉलर की इंडिया को ऑफर हुई थी। लेकिन बड़ी बात है कि हिंदुस्तान ने इतनी बड़ी रकम, 300 बिलियन डॉलर होते हैं, सोचा जाए 300 बिलियन डॉलर। चले आपको 300 बिलियन डॉलर के बारे में बताता हूँ। पाकिस्तान IMF से 3 बिलियन डॉलर या 5 बिलियन डॉलर के लिए नाक रगड़ता है अपनी, इवन के उनकी शर्तें भी मानता है। चौधरी साहब, ये शर्तें नहीं है तो और क्या है? IMF कहेगा तो बिजली का रेट निकलेगा, गैस का रेट कैसे निकलेगा? IMF से निकलेगा। आपका मोटर पे गिरवी रखवा देता है IMF, हमारे PIA को गिरवी रखवा देता है IMF, यानी कि IMF हमारा दादा परदादा, हर चीज IMF बन चुका हुआ है, और उससे हम 4-5 बिलियन डॉलर लेने के लिए नाक रगड़ते हैं, उसकी शर्तें मानते हैं, चाहे वो हमारे हक में बेहतर हो चाहे हमारे हक में नुकसान हो। तो हिंदुस्तान इस टाइम क्या पावर बन चुका हुआ है कि उसने 300 बिलियन डॉलर को रिजेक्ट कर दिया। यार क्या बात है यार, ठीक हो गया। अब इंडिया आप चाहे उसे हमारा दुश्मन है, लेकिन वो तरक्की कर गया है। उसकी मेशियत देखे कहाँ जा रहा है, वो IT में कहाँ जा रहा है इंटरनेशनली। मोदी ट्रंप सदर बना है, हमारे वजीर आजम को उसने मुंह नहीं लगाया, लेकिन मोदी से उसने फोन पे बात की है। दोस्तों, भारत ने 300 अरब डॉलर का जो क्लाइमेट डील है ग्लोबल साउथ के लिए एट द COP29 उसको रिजेक्ट कर दिया। द क्वेश्चन इज कि इंडिया कहता है कि नहीं, हम ये 300 बिलियन डॉलर की डील जो कि 2035 तक दी जा रही है फॉर द ग्लोबल साउथ, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। ये एक UN क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो है, जो अभी बाकू अज़रबैजान के अंदर हुई है, वहां पे बात हुई है। इंडिया इज सेइंग दिस इज टू लिटल एंड टू डिस्टेंट। एक तो 2035 और 300 अरब डॉलर, so India is basically asking for $1.3 trillion for the global south। कम से कम 3 सालों से इंडिया कह रहा है। पाकिस्तान ये बात क्यों नहीं कर रहा, पाकिस्तान ने इस मसले को क्यों नहीं उस तरह उठाया कि इतना पैसा चाहिए। हालांकि मेरी स्टडी के मुताबिक पाकिस्तान का जो क्लाइमेट फाइनेंस गैप है, दैट इज 400-348 बिलियन डॉलर बाई 2030।
पाकिस्तान को अकेले इतना जो है वो पैसा चाहिए। बहरहाल इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आपको पता है कि ग्लोबल साउथ के हवाले से वो अपनी एक मोनोपोली हेजमनी अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं कि ग्लोबल साउथ जो है वो हमारे लिए बड़ा जरूरी है। अगर अगर इंडिया कहता है कि 1.3 trillion, यानी कि इंडिया 1,000 अरब डॉलर की बात कर रहा है मजीद, और वो भी 2035 तक जो है वेस्टर्न वर्ल्ड कह रही है, इंडिया कह रहा है नहीं 1.3 trillion dollar 2030 तक चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान अकेला इससे बहुत ज्यादा मुतासर हो रहा है दिस एनवायरमेंटल चैलेंजेस के साथ। लेकिन इंडिया ने इस पे ज्यादा खुल खुला के बात की है, और मेरा ख्याल है कि यही वजह है कि दैट गिव्स इंडिया अ सॉर्ट ऑफ, इंडिया को, इंडिया यही तो चीज करके बेसिकली अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है एज ए ग्लोबल साउथ के लीडर में। और ये जो क्लाइमेट चेंज है, इसको आपको पता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड जो है इसमें अभी, फॉर एग्जाम्पल आप डोनाल्ड ट्रंप को देखें, डोनाल्ड ट्रंप स्टिल कंसीडर दिस एज ए हॉक्स, वो कहते हैं इसकी तो है ही कोई नहीं है। अब ये जो COP29 क्लाइमेट समिट बाकू के अंदर हुई है कि कैसे नया एक न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल जो है वो अडॉप्ट किया जाए, ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ। ये याद रखें जो ग्लोबल मैप, जो नॉर्थ है दैट इज इंडस्ट्रियली रिच, पॉलिटिकली स्टेबल, इकोनॉमिकली स्टेबल है, ठीक है, डेमोक्रेटिकली जो है वो फाइन है। ग्लोबल साउथ जो है इट इज अंडर डेवलप्ड, इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, इसके मसले बहुत ज्यादा हैं। सो ये एक बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशंस में एक नॉर्थ साउथ की एक थ्योरी भी है कि किस तरह जो नॉर्थ किधर खड़ा हुआ है, रिच कैसे है, और साउथ जो है वो सारी की सारी जो रॉ मटेरियल है वो साउथ में है, प्रोडक्शन नॉर्थ में होती है, साउथ को कुछ नहीं मिलता, नॉर्थ को ही सब कुछ मिलता है, और नॉर्थ की जो कार्बन एमिशंस है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस है उसके लिए नॉर्थ रिस्पॉन्सिबल है। नॉर्थ से मुराद ये है कि ये यूरोप एंड अमेरिका की बात हो रही है, ठीक है, ये वो ममालिक हैं जो नॉर्थ हैं। सो ये जो एक फाइनेंशियल फ्रेमवर्क चाहिए उसके हवाले से अभी तक कोई बात नहीं हो पा रही। अब इंडिया जो है वो बेसिकली ये जो नॉर्थ साउथ की जो डिबेट है ना, इसको वो लीड कर रहे हैं। अब आपको पता है यूएन ने बेसिकली एक फ्रेमवर्क बनाया था जिसमें 23 डेवलप कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन जो प्लैनेट को हीट करने में और एमिशंस में रिस्पॉन्सिबल थे। यही वजह है कि जो बाकू का अकॉर्ड हुआ है वो कहता है जी 300 बिलियन 2035 तक दिया जाए, ठीक है जी। अब सुनने में आ रहा है कि 500 अरब डॉलर और की भी बात की जा रही है कि वो हमें चाहिए, और ये पैसा किधर जाएगा, डेवलपिंग वर्ल्ड में जाएगा, इसमें से बहुत सारा पैसा इंडिया भी जाएगा, इंडिया भी जाएगा, क्योंकि इंडिया इटसेल्फ अपने आप को जो, जैसे इंडिया ने अपनी कमिटमेंट्स की हुई हैं कि 2070 तक इंडिया जो है वो क्लीन एनर्जी पे शिफ्ट हो जाएगा।